टुडे वी विल सी अबाउट प्रोटीन्स। ठीक है, द प्रोटीन प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियास, ठीक है, PROTEIOS, इट मींस फर्स्ट रैंक। इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ठीक है, मतलब फर्स्ट रैंक करने का मतलब है कि जितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, लिपिड जो होते हैं फूड के मेन सोर्स, उसमें से इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक कहते हैं। तो प्रोटियास से बना है। ठीक है, और ये जो देखेंगे प्रोटीन टर्म कौन दिया था, तो ये टर्म कॉइंड बाई बर्जेलियस। ठीक है, द टर्म प्रोटीन वाज कॉइंड बाई बर्जेलियस। ठीक है, तो प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड प्रोटियास मींस फर्स्ट रैंक एंड टर्म वाज कॉइंड बाई बर्जेलियस। ठीक है, ये प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन जो है इट इज ऑफ मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं ये प्रोटीन। ठीक है, तो तीन तरह के प्रोटीन्स जो होंगे कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे वी विल सी सिंपल प्रोटीन। पहला हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सिंपल प्रोटीन पहला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रोटीन। ठीक है, दूसरा सेकंड वी विल सी, इसको कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कंजुगेटेड ही लिख रहे हैं, दिस इज नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज, इसको कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। तो तीन तरह के प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, सेकेंड इज कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, और थर्ड इज डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो तीन तरह के प्रोटीन हम देखेंगे। अब ये सिंपल प्रोटीन जो है, व्हाट इज सिंपल प्रोटीन कंपाउंड, तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, तो सिंपल प्रोटीन वैसा प्रोटीन है विच इज कंपोज्ड ऑफ, तो लिख सकते हैं प्रोटीन विच इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। ये क्या के बने हैं, ये केवल अमीनो एसिड्स के बने हैं, उसको कहेंगे सिंपल प्रोटीन। ठीक है, लेकिन ये कंजुगेटेड प्रोटीन क्या हुआ, कंजुगेटेड प्रोटीन हुआ कि सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन तो है ही, कहने का मतलब कि दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के तो बने हैं ही, सिंपल प्रोटीन है, प्लस इसमें अदर कोई ग्रुप्स भी हो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंजुगेटेड। तो प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब कि क्या हुआ, एनी नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोई हो, ठीक है, इसके अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट इसमें जुट गया उसको हम कहेंगे दैट इज कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये इसमें क्या हो सकता है, ये देखिए इसमें हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड हो। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होगा तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। ये हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होगा तो दूसरा न्यूक्लिक एसिड नहीं होके कलर्ड कंपाउंड होगा, कोई कलर्ड पिगमेंट होगा, कोई भी कलर्ड चीज होगा, पिगमेंट होगा, तो कलर्ड है तो क्रोमा कहते हैं, क्रोमा मीन्स कलर, तो क्रोमो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम देखेंगे क्रोमोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। ठीक है, एंड थर्ड जो देखेंगे इसके साथ क्या हो सकता है, लिपिड अगर होगा, ठीक है, प्रोटीन के साथ लिपिड होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब लिपिड में भी खासकर एक तरह का लिपिड होता है, लेसिथीन होगा, एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, तो लेसिथोप्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अब देखते हैं फॉस्फेट देखे थे ना, फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड अगर होगा इसमें क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड होगा H3PO4। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोप्रोटीन, क्या कहेंगे, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन। उसी तरह अगर तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। इसी तरह मेटल्स अगर होगा कोई, ठीक है, मेटल्स मतलब
कोई भी मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम के बाद मैंगनीज, ठीक है, निकल, मॉलिब्डेनम, कुछ भी हो सकता है अगर किसी चीज में होगा तो, प्रोटीन में तो इसको कहेंगे मेटल, होगा तो मेटालो प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, मेटालो प्रोटीन, METALO मेटालो प्रोटीन। तो ये देख रहे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन, ये सब मेटल्स है। उसी तरह अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, अगर है तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, क्या कहेंगे इसको, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर क्या होगा, होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन कब, अगर कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, इफ कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन 4%, ठीक है, अगर 4% से कम कार्बोहाइड्रेट है तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन अगर 4% से ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यूकोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है, इट इज नोन एज म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। ये इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, क्या होगा, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या हुआ, एफएडी, एफएमएन, ये सब होता है फ्लेविन, ठीक है, एफएडी मतलब एफएडी, एफएमएन, ये होगा तो इसको कहते हैं फ्लेबो एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेबो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं कंपाउंड को, अगर ये होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फ्लेबो प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं क्या है, दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। तो अभी हम एग्जांपल सारे देखेंगे अभी आगे, तो फ्लेबो पहला देखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन के एग्जांपल, दूसरा क्या हो गया क्रोमो प्रोटीन, तीसरा लाइपो प्रोटीन, चौथा फॉस्फो प्रोटीन, ठीक है, पांचवा मेटल्स होगा तो मेटालो प्रोटीन, छठा कार्बोहाइड्रेट होगा तो दो होगा, 4% से कम है तो डेट इज ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लेस नहीं है, मोर देन 4% है कार्बोहाइड्रेट, मोर देन 4% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, तब इसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोप्रोटीन। अगर एफएडी और एफएमएन होगा, क्या होगा इसमें, एफएडी, इसको कहते हैं एफएडी और एफएमएन, ये कंपाउंड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फ्लेबो प्रोटीन। तो इसके एग्जांपल्स हम अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है, वी विल सी इन डिटेल। तो ये हो गया, ठीक, आगे डिराइव्ड प्रोटीन क्या है, ठीक है, तो डिराइव्ड प्रोटीन वैसे प्रोटीन है जो कि प्रोटीन के डीनेचरेशन से बनते हैं और प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये डिराइव्ड प्रोटीन कह सकते हैं कि प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय, तो कह सकते हैं प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, कैसे, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन बताए थे कि प्रोटीन क्या हो गया, हीट करेंगे तो प्रोटीन क्या होगा, डीनेचर हो जाता है, तो अगर वो होगा डीनेचुरेशन, और इसको कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि सच प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स करने का मतलब क्या हुआ, ये सिंपल प्रोटीन है चाहे कंजुगेट प्रोटीन है, वो टूट गया चाहे उसका डीनेचुरेशन हो गया, तब कौन सा बनेगा, डिराइव्ड, ठीक है। तो प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन्स, तो इसको कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। अगर डिराइव्ड प्रोटीन डीनेचुरेशन से बन रहा है, कैसे बन रहा है, डीनेचुरेशन से बन रहा है, ठीक है, द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है, ठीक है, टूट रहा है वाटर के प्रोसेस में, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो सच प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज सेकेंडरी
which is formed by denaturation is primary. तो secondary derived protein. तो ये याद रखेंगे primary और secondary. तो primary का कुछ examples है fibrin. ठीक है, fibrin एक होता है. It helps in blood clotting, clotting of blood. और दूसरा secondary का example जो होता है याद रखना है peptone. टूटने से बनता है पेप्टोन, फिर प्रोटियोसिस, ठीक है, एंड पेप्टाइड्स. तो ये तीन जो देख रहे हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स, तो पेप्टोन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन. और फाइब्रिन भी किसका एग्जांपल है, डिराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल्स है. ठीक है, तो ये देखिए डिराइव्ड प्रोटीन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, याद रखना है कि जो कि डिनेचुरेशन और हाइड्रोलाइसिस से बने वो हो गया. तो अगर डिनेचुरेशन से बन रहा है डिराइव्ड प्रोटीन तो उसको प्राइमरी कहेंगे, अगर ये हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है टूटने से प्रोटीन तो इसको कहेंगे सेकेंडरी, पेप्टोन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे. इसमें देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स में, ठीक है, यहां पर. तो यहां पर कंजुगेटेड प्रोटीन्स के बाद पहले देख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल प्रोटीन. ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन क्या हुआ, सिंपल प्रोटीन वह प्रोटीन है जो कि क्या का बना हुआ है, जो कि सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं. तो अमीनो एसिड्स के बने हैं तो कैसे होंगे, तो ये देखिए, तो अमीनो एसिड्स के बने हैं तो ये दो तरह के होंगे सिंपल प्रोटीन, ये ऐसे. ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, तो एक को कहेंगे कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर, और इसी को आप कह सकते हैं ग्लोब्यूलर. क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ग्लोबुलर और कॉर्पस्कुलर, जी एल ओ बी यू एल आर और कॉर्पस्कुलर. ठीक है, ग्लोबुलर और कॉर्पस्कुलर. उसी तरह सेकेंड जो होगा उसको कहेंगे फाइब्रस. क्या कहते हैं, फाइब्रस और फाइब्रिलर, एफ आई बी आर आई डबल एल ए आर. ठीक है, तो दो तरह का एक्चुअली में सिंपल प्रोटीन जो होता है ये क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कह सकते हैं किस बेसिस पर, सोलबिलिटी इन वाटर. तो बेसिस क्या है, बेसिस है सोलूबिलिटी इन वाटर. ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, तो इनको कहेंगे इनसॉल्युबल प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसीलिए इसको कहेंगे दे आर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स, इनसॉल्युबल सिंपल प्रोटीन. और ये क्या है, दे आर सॉल्युबल प्रोटीन्स, तो ये सॉल्युबल प्रोटीन्स है. ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबुलर और फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. अब कुछ एग्जांपल्स आपके बुकलेट में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, फिर भी थोड़ा सा बता दें. तो ग्लोबुलर में एग्जांपल्स कुछ होंगे, ठीक है, तो ग्लोबुलर्स में जो एग्जांपल्स हैं उनको पढ़ना है हमें. तो ये जो है इसको कहेंगे दैट इज नोन एज ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, पहले देखते हैं ए एल बी यू एम आई एन, एल्ब्यूमिन. ठीक है, तो ये एल्ब्यूमिन है. ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये देखेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है. ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, ये देखेंगे कि मिल्क में भी पाया जाता है, तो मिल्क में जो पाया जाएगा उसको कहेंगे लैक्ट एल्ब्यूमिन. क्या कहेंगे, लैक्ट एल्ब्यूमिन, कहां पर, मिल्क में. ठीक है, उसी तरह एग का जो एग है, एग के बीच में इस तरह होता है येलो इस कलर का, इसको योक कहते हैं. और ये क्या कहते हैं, एग का योक नहीं, बाहर वाला पार्ट. तो एक योक जो देखेंगे बीच में जो योक होता है पीला कलर का, उसमें भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है. तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है एग के कहां पर, योक में. ठीक है, उसको कहते हैं ओवा एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन. तो ये कहां पर, एग के योक में. ठीक है, उसी तरह ब्लड देखेंगे तो ब्लड में भी पाया जाता है प्रोटीन, ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, उसमें प्रोटीन. तो ब्लड प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है उसको कहते हैं हम सीरम एल्ब्यूमिन. क्या कहेंगे, सीरम एल्ब्यूमिन. तो ये क्या है, ब्लड प्रोटीन है, तो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है ये. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला एग्जांपल जो है ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या हो गया, एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन तीन तरह का, लैक्ट एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन. ठीक है, ये तीनों.
दूसरा एग्जांपल जो देखेंगे इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन्स, ठीक है, हिस्टोन्स प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डीएनए हम बताए थे पिछले लेक्चर में, तो ये डीएनए जो होता है, ठीक है, जो भी डीएनए है इस तरह के स्ट्रक्चर हम बताए थे डीएनए, तो डीएनए अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है, डीएनए के साथ साथ एक प्रोटीन अटैच होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन, यही वाला हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन तो यूकैरियोटिक डीएनए में होता है, ये कहां होता है, किससे अटैच होता है, यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, यही डीएनए इसमें प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हिस्टोन, तो हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन जो देखेंगे ये कहां पर है, तो याद रखिएगा इट इज प्रेजेंट इन, दो चीज याद रखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए, तो यूकैरियोटिक के डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या का बना होता है, ये मेनली बना होता है बेसिक प्रोटीन का, हम बताए थे बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड्स बताए थे, कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन का, तो ये लाइसिन और आर्जिनिन का, तो ये रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, और ये बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सा था, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये दोनों अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं इसमें, इसीलिए इस प्रोटीन में क्या क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है ना रिपीटेड, तो इसीलिए इसको कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसिन आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टोन। हिस्टोन के बाद देखेंगे ग्लोबिन, कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो पार्ट होता है, अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ग्लोबिन जो है ना वो 95% पार्ट होता है, अकेले दो पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन में, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो ये ग्लोबिन जो पार्ट होता है ना हीमोग्लोबिन में 95% अकेले होता है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये इट इज अ ग्लोबुलर और कॉर्पस्कुलर प्रोटीन, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो सीधे लिख दे रहा है हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कहां पर है, लिख दे रहे हैं शॉर्ट में HB, हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ग्लोबिन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्रोटामीन्स, ठीक है, क्या है प्रोटामीन्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोटामीन्स। तो प्रोटामीन्स क्या होता है, ये न्यूक्लियस में प्रोटीन होते हैं, वो भी एक्चुअली स्पर्म जो होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस करते हैं, उसमें क्या बनता है, स्पर्म मेल गैमेट। उस मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरह, हेड है और ये टेल, हेड में क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियस होता है, ये हेड है इसमें न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटामीन, ठीक है, क्या कहेंगे प्रोटामीन। तो प्रोटामीन एक्चुअली में कहां पर पाया जा रहा है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर प्रोटीन है ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रोलामीन्स, क्या देखेंगे, प्रोटामीन हो गया और ये प्रोलामीन्स है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटामीन और प्रोलामीन, ठीक है। तो प्रोलामीन क्या होता है, दे आर स्टोरेज प्रोटीन्स, क्या है ये, इसको हम कहते हैं कौन सा प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन्स है, ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन्स इन ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है। तो ग्रेन्स और सीरियल्स में होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ग्लाइडिन, ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखेंगे, वीट होता है ना, वीट, तो इसमें जो होता है प्रोटीन उसको कहते हैं ग्लाइडिन, इसके बाद ग्लूटेन, ग्लूटेलिन, देख रहे हैं। तो ये कहां पर पाया जाता है ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होते हैं स्टोर होते हैं वीट में, ठीक है, कहां पर होते हैं ये वीट में, तो यहां पर ग्रेन्स और सीरियल्स में। और उसी तरह देखेंगे ये वीट में है, ये तो राइस में, तो ग्लूटेन इन वीट, ठीक है, राइस में जो होता है ना उसको कहते हैं ओरिजा, ओरिजेनिन, ठीक है, राइस को कहते हैं ओरिजा सैटिवा, तो ओरिजेनिन, ठीक है। उसी तरह ये देखेंगे मेज में, मेज को कहते हैं जियामेस, तो इसमें जीन होगा, JDIN, ठीक है। उसी तरह बार्ले, जौ जो होता है उसको हॉर्डियम वल्गर कहते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, हॉर्डिन,
ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या है, ऑल दीज स्टोरेज प्रोटीन्स जो कि स्टोर्ड होते हैं कहां पर, सीरियल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्रोलामीन्स। ठीक है, ये हो गया प्रोलामीन्स। उसी तरह और भी देखेंगे रूबिस्को, रूबिस्को ठीक है। तो रूबिस्को क्या होता है, ये एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, लीफ में होता है ना पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है रूबिस्को। और रूबिस्को जो है ये कहां पर पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। और ये कह सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, कितना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 16% ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, ठीक है रूबिस्को। इसके बाद जो जितने भी एंजाइम्स देख रहे हैं, पढ़ेंगे हम एंजाइम्स, तो ऑल प्रोटीनेसियस एंजाइम्स, दे आर ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ क्या, सिंपल प्रोटीन ग्लोबुलर, ठीक है। उसी तरह एंजाइम्स के बाद क्या देखेंगे, इसके बाद एंजाइम्स के बाद हॉर्मोन्स, जितने भी प्रोटीन के हॉर्मोन्स है ना, सब, सारे हॉर्मोन्स नहीं, ऑल प्रोटीन हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ दिस, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे ग्लोबुलर हो गया, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे, दिस ऑल आर ग्लोबुलर और कॉर्पस्कुलर, दे आर सोल्युबल प्रोटीन्स, ये सोल्युबल होते हैं, ठीक है, ये सोल्युबल, ठीक है। तो ये हो गया एल्ब्यूमिन जो मिल्क में पाया जाएगा उसको लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो एग में पाया जाएगा योक में ओवा एल्ब्यूमिन, मिल्क में लैक्टा, सीरम एल्ब्यूमिन किसमें कहलाएगा, सीरम ब्लड में, ठीक है। उसी तरह हिस्टोन कहां पर होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में होगा, ठीक है। तो डीएनए में होगा तो ये क्या करेगा, ये डीएनए में उससे अटैच होता है, तो ये इट इज मेड अप ऑफ बेसिक प्रोटीन्स दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन में, प्रोटामिन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, प्रोलामिन स्टोरेज प्रोटीन्स है, रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स अबाउट, कह सकते हैं 16% ऑफ प्रोटीन्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे 16% प्रोटीन्स अकेले है, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एंजाइम्स देखे थे, बताएं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं अभी पढ़ेंगे इसके बाद, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो सब एंजाइम्स प्रोटीनेसियस होते हैं। हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स सारे नहीं, प्रोटीन हॉर्मोन्स, कौन सा हॉर्मोन, प्रोटीनेसियस हॉर्मोन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे फाइब्रिलर, ठीक है, फाइब्रिलर और फाइब्रस, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो फाइब्रिलर में कुछ जो एग्जांपल्स होंगे इनसॉल्युबल प्रोटीन्स के, तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये लीजिए, दिस इज नोन एज केराटिन कहते हैं, सुने होंगे, ठीक है। तो केराटिन, ठीक है, तो केराटिन फाइब्रस हो गया। चाहे केराटिन से पहले एक और देख ले, सबसे सिंपलेस्ट जो है, सिंपलेस्ट है कोलाजेन, ठीक है, कोलाजेन फाइबर, कोलाजेन एंड इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये कोलाजिन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है, ये जो होगा दिस इज फाइब्रस प्रोटीन, और ये क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए इसको क्या है, इस कैटेगरी में रखा गया है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये कोलाजिन एंड इलास्टिन, तो कोलाजिन और इलास्टिन कहां पाए जाते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरह पाए जाते हैं, ठीक है, दे आर फाउंड एज इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और ये कोलाजिन जो प्रोटीन दिख रहे हैं ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, इन कहां पर, इन एनिमल बॉडी, एनिमल के बॉडी में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है, कोलाजेन प्रोटीन, ठीक है। एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो डिफरेंस, वी विल सी डिफरेंस ऑफ कोलाजेन एंड इलास्टिन, तो कोलाजेन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे इस तरह। ये कोलाजेन प्रोटीन पढ़ेंगे, ये कैसा होता है कोलाजेन, कोलाजेन फाइबर्स कहते हैं इसको, तो कोलाजेन फाइबर्स क्या है, दे आर मोस्टली प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, ठीक है। दूसरा
दूसरा केराटीन, केराटीन ठीक है। तो केराटीन प्रोटीन सुने होंगे ठीक है। केराटीन कहते ना कि हेयर थेरापी में केराटीन करवाने, केराटीन के लिए फॉर हेयर थेरापी केराटीन का करवाते हैं। तो क्या है, क्यों? केराटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर्स ठीक है। तो ये कहां पर है, ये हेयर्स में होते हैं ठीक है। ये नेल्स जो देख रहे हैं यहां पर उनमें होते हैं ठीक है। नेल्स स्किन जो होता है ना उसमें भी केराटीन होते हैं, उसमें भी हो सकते हैं स्किन में। तो ये कहां पर होंगे, यहां होगा, इसके बाद स्किन में होगा ठीक है। इसके बाद जो ये हॉर्न्स देखते हैं गाय भैंस में, सिंग वगैरह देखते हैं, हूप्स देखते हैं राइनोसरस में, तो हॉर्न्स हूप्स ठीक है। हॉर्न्स इसको यहां लिखते हैं हॉर्न्स HWFS हूप्स ठीक है इनमें। इसके बाद फेदर्स देखते हैं, बर्ड्स का फेदर्स देखते हैं पंख, उसमें भी होते हैं ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो से इट एट फेदर्स, यहां लिख दे रहे हैं FEATHERS फेदर्स ठीक है। तो ये कहां होगा, इन सब में होता है, फेदर्स में देखेंगे वहां पर होंगे ठीक है। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन हेयर्स, नेल्स, फेदर्स, स्किन, हॉर्न्स, हूफ्स एक्सेट्रा ठीक है। केराटीन तो ये क्या है, फाइब्रिल प्रोटीन है, फाइब्रस है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ठीक है। ये याद रखेंगे, केराटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब ये केराटीन जो है तो ये एक तरह से क्या दे रहा है, इसको शेप दे रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहेंगे। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द एनिमल बॉडी ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रक्चरल और सपोर्ट प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर तो दे रहा है, हॉर्न्स क्या दे रहा है, सपोर्ट एक तरह से। तो स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव प्रोटीन इसको कहते हैं। कौन सा प्रोटीन, स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव प्रोटीन। तो नेम स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव प्रोटीन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज प्रोटीन्स। तो स्टोरेज प्रोटीन कौन सा हो गया, यहां ठीक है, स्ट्रक्चरल। इसके बाद देखते हैं, दो हो गया इसमें, नेक्स्ट वी विल सी और भी एग्जांपल्स हैं इसमें। तो एक्टिन एंड मायोसिन कौन सा देखेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन, ये लीजिए एक्टिन एंड मायोसिन ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं। जब मसल्स पढ़ेंगे तो मस्कुलर कंट्रैक्शन में देखेंगे, ये जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स स्केलेटल मसल्स, उनमें पाए जाते हैं एक्टिन और मायोसिन। तो कोलाजेन याद रखेंगे, केराटीन, एक्टिन और मायोसिन। तो ये कहां पाए जाते हैं, मसल्स में, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना उसमें। तो दिस इज कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्या कहेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ठीक है, CONTRACTILE कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि क्या में हेल्प करते हैं, विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये क्या में हेल्प करेंगे, तो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इट विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ठीक है। तो ये क्या में हेल्प कर रहे हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ठीक है। तो एनिमल फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां डिटेल में हम देखेंगे ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प कर रहा है ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट इज फाइब्रोइन, कौन सा, फाइब्रोइन ठीक है। तो फाइब्रोइन इज ऑल्सो अ, इट इज ऑल्सो अ, फाइब्रोइन इज ऑल्सो अ फाइब्रिलर और फाइब्रस प्रोटीन ठीक है, FIBROIN। ये कहां पाए जाते हैं, तो फाइब्रोइन ऑफ सिल्क, सिल्क वगैरह में पाया जाता है ठीक है। तो सिल्क जैसे कि बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क मॉथ होता है ठीक है, इंसेक्ट है सिल्क मॉथ, इट प्रोड्यूसेस सिल्क, सिल्क साड़ी जो कहते हैं उस तरह। तो वो सिल्क जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये फाइब्रोइन सिल्क उसमें होता है। सिल्क में जो कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन ठीक है। तो इट इज कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोइन ऑफ सिल्क, फाइब्रोइन है सिल्क, तो प्रोड्यूस्ड बाय याद रखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा, सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म भी कह सकते हैं आप, सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म ठीक है। तो
तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म और सिल्क मॉथ, ठीक है ये। और इसको हम कहते हैं ऐसे, पूरा नाम जानना चाहें तो बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क मॉथ का नाम है, ठीक है। दिस इज नोन एज बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, एक बार रिकैप्चुलेट कर दें, तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तीन तरह का, सिंपल कंजुगेटेड, डिराइव्ड कंजुगेटेड, ये सब देख चुके हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, ये सब डिटेल में अभी देखेंगे एग्जांपल्स। इसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन में वो फाइब्रिन, पेप्टोन, प्रोटीओसेस एंड पेप्टाइड्स। इस बात इधर सिंपल प्रोटीन जो है, ये सिंपल प्रोटीन क्या हुआ, विच इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स के तौर बना है, तो ये दो तरह का हो गया, ये दोनों दिस ऑल आर एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट प्रोटीन, थोड़ा सा एग्जांपल्स इसके हम देखेंगे।